स्वागत है एनिमे बॉय की एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ रहूंगा। जल्दी वहाँ से हटो। तोरा माई के चलो उतर, हट माई के ऊपर से उतर, माई के ना उतर दे ऊपर से। माफ करना इस बदसलूकी के लिए। तो मैं कह रहा था कि हम सभी काफी टाइम से एनिमे पायरेट करके देखा करते थे, क्योंकि इंडिया में एनिमे अवेलेबल ही नहीं था। बट जब से क्रंची रोल ने एनिमे हिंदी में डब करना शुरू हुआ है, तब से काफी कुछ सुधर गया है। बट उसके बावजूद कई सारे एनिमे ऐसे हैं जिन्हें हिंदी में डब नहीं किया गया है। बट क्या आपको मालूम है, यूट्यूब पे भी फ्री में एनिमे देखा जा सकता है, वो भी लीगली। और आज मैं टॉप 10 एनिमे की बात करूंगा जो आप फ्री में लीगली यूट्यूब पे देख सकते हो। तो शुरू करते आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। ए, चल चल, फालतू बकवास करता है। नंबर 1 पे है आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल इन दिस वर्ल्ड। इस एनिमे पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको इस एनिमे का छोटा सा प्लॉट समझा देता हूँ। एनिमे में एक लड़का है जिसका नाम है यूया, जो कि बहुत मोटा है और अपने इसी मोटापे से वो बहुत ज्यादा परेशान है, हर कोई उसे परेशान करता है। फिर एक दिन उसे अपने घर में एक खुफिया दरवाजा मिलता है जो कि दूसरी दुनिया में उसे ले जाता है, जो कि एक तरीके से गेम की दुनिया भी कह सकते हैं। और वहां जाके वो बहुत सारे पॉइंट्स कमाता है और बहुत सारी पावर्स भी। इसी के साथ उसकी बॉडी एकदम फिट एंड स्लिम हो जाती है और इसी के साथ उसकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। एनिमे बहुत बढ़िया है, आपको देखने में जरूर मजा आएगा। और ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, म्यूज एशिया के यूट्यूब चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर देख सकते हो। नंबर 2, हंटर हंटर। इस एनिमे पर भी मैंने रिव्यू वीडियो बना रखी है, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। बात करें इस एनिमे की, इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है गॉन, जो कि 12 साल की एज में निकल पड़ता है अपने आइलैंड से हंटर एग्जाम देने के लिए, ताकि वो एक हंटर बन सके। अब जैसे कि एक शोनन एनिमे है तो आपको इसमें एक्शन भर भर के मिलेगा, और ये भी आपको म्यूज एशिया पे फ्री में देखने को मिल जाएगा उनके यूट्यूब चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर देख सकते हो। नंबर 3, कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड विद माई अब्जर्ड स्किल। ये एनिमे आपको म्यूज इंडिया पे देखने को मिल जाएगा, वो भी हिंदी सबके साथ। एनिमे का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है सुयोशी मुकौदा, जिसे एक फैंटेसी वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उसे अपने इकलौते स्किल के बारे में पता चलता है, हैविंग फ्री एक्सेस टू ऑनलाइन सुपरमार्केट। उसके साथ इस फैंटेसी वर्ल्ड में 3 और लोग ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ताकि उस फैंटेसी वर्ल्ड के किंगडम को बचा सके एक रहस्यमय खतरे से। एनिमे काफी मजेदार है, आपको एक बार तो देखना ही चाहिए। म्यूज पे आपको ये देखने को मिल जाएगा फ्री में उनके यूट्यूब चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर देख सकते हैं। नंबर 4, कुमा 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 बियर पंच। हाँ मालूम है, नाम थोड़ा अजीब है। बात करें एनिमे की स्टोरी की, यूना एक बोर्ड टीनेज गर्ल है जो अपना टाइम स्पेंड करती है एज अ NEET, और अपने पेरेंट्स द्वारा बहकाए जाने पे वो शेयर मार्केट में पैसे कमाती है। वो अपना फेवरेट FPV ऑनलाइन गेम वर्ल्ड फैंटेसी ऑनलाइन खेलते समय यूना को इतने लंबे समय तक खेलते रहने के लिए गिफ्ट के तौर पे उसे एक एम्बेरसिंग बियर सूट मिलता है, और इस गेम का एडमिनिस्ट्रेटर एक गॉड निकलता है जिसने गेम को उसके वर्ल्ड के बेस पे बनाया है। उसके बाद वो यूना को एक सैड वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट करती है। तो इस वर्ल्ड में यूना कैसे रह पाएगी, यही एनिमे की स्टोरी है। ये आपको म्यूज एशिया के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर देख सकते हो। नंबर 5, दिस आर्ट क्लब हैज अ प्रॉब्लम। मिजुकी उसामी बड़ी पैशनेट मेंबर है अपने स्कूल के आर्ट क्लब की, बट द क्लब हैज अ प्रॉब्लम। और वो क्या है कि उसामी ही एक इकलौती है अपने आर्ट क्लब में जो अपने क्राफ्ट को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस है, बट जो क्लब का प्रेसिडेंट है वो बहुत ज्यादा लेजी है। वो क्लब एक्टिविटीज के टाइम भी सोता रहता है। साथ ही क्लब में कई मेंबर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हैं, वो आसानी से फर्स्ट प्राइज भी ला सकते हैं आर्ट एक्टिविटी में अगर वो चाहें तो, बट दिक्कत यह है कि वो कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो देखना यह है कि इस आर्ट क्लब की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती है या नहीं। एनिमे काफी मजेदार है, ये आपको यूट्यूब पे फ्री में देखने को मिल जाएगा म्यूज एशिया के यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर देख सकते हो। नंबर 6, मोब साइको 100। ये एक शोनन एनिमे है, यानी आपको इसमें एक्शन भर भर के देखने को मिलेगा, और आप में से कई लोगों ने इसे देख भी रखा होगा। बट जिन लोगों को मालूम नहीं है इसे कहाँ देखना है, तो मैं बताता हूँ, ये आपको फ्री में मिल जाएगा यूट्यूब पे, म्यूज एशिया के यूट्यूब चैनल पे। इस एनिमे की स्टोरी यही है, एक मॉब नाम का एक लड़का है जिसके पास साइकिक पावर्स है, बट फिजिकली वो कुछ खास नहीं कर पाता, लेकिन उसके पास साइकिक पावर्स ऐसी है कि कोई चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एनिमे फुल ऑफ एक्शन है, आपको ये देखने में जरूर मजा आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर देख सकते हो।
नंबर 7 टोक्यो रिवेंजर्स। तो ये एनिमे कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो रखा है, आई एम श्योर आप लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा। एनिमे की स्टोरी कुछ इस तरीके से है, ताकेमिची नाम का एक लड़का है जिसके पास पावर्स है पास्ट में जाने की। तो डिसाइड करता है कि वो पास्ट में जाएगा और जो उसकी गर्लफ्रेंड एक्सीडेंट में मारी गई थी वो उसे जाके बचाएगा, लेकिन हर बार उसके हाथ हार ही लगती है। तो देखना ये है कि कभी उसका ये गोल पूरा हो पाता है या नहीं। ये आपको YouTube पे देखने को मिल जाएगा फ्री में, म्यूज एशिया के YouTube चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में उस YouTube चैनल का लिंक भी दे रखा है, वहाँ जाकर देख सकते हो। 8 वन पंच मैन। इस एनिमे का नाम जिसने नहीं सुना हुआ तो फिर मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कुछ देखा भी है। ये भी एक शोनन एनिमे है और इसमें भी आपको एक्शन भर भर के देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों को ये फ्री में नहीं मिल पा रहा है कहीं पे भी देखने में, तो बता दूं आपको ये म्यूज एशिया के यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। एनिमे की स्टोरी कुछ इस तरीके से है, साइतामा नाम का एक लड़का है जो कि इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि कोई बड़े से बड़ा विलन भी उसके सामने आ जाए एक ही पंच में उसे खत्म कर सकता है। बट अभी तक एनिमे के किसी सीजन में ऐसा कोई विलेन नहीं आया जो उसके पंच से ना बच सका हो। 2023 में नया सीजन आने वाला था, अब देखते हैं कब तक आता है। बाकी इसके दोनों सीजन आपको म्यूज एशिया के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर देख सकते हो। 9 मेरे को चान। ये भी आपको म्यूज एशिया के यूट्यूब चैनल पे फ्री में देखने को मिल जाएगा पूरी की पूरी सीरीज। एनिमे की स्टोरी कुछ इस तरीके से, मेरे को चान एक लड़की है जो कि हाई स्कूल में पढ़ती है, बट एक दिन अचानक से उसे भूत दिखना चालू हो जाते हैं, स्पिरिट्स, इतने ज्यादा डरावने के कोई भी बेहोश हो जाए। बट वो इन सभी घोस्ट के सामने ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो उसे दिख ही नहीं रहे हो। बट दिन गुजरने के साथ साथ उसकी ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है क्योंकि उसे और भी ज्यादा भयानक भूत दिखना चालू हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके बेडरूम में, बाथरूम में, हर जगह। तो चैन इस मुसीबत से कैसे बचेगी, न्यूज एशिया के यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाके देख सकते हो। 10 टीजिंग मास्टर तकागी-सान। ये नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल एनिमे सीरीज है जो कि काफी फनी है और मजेदार भी, बट ये आपको म्यूज एशिया के यूट्यूब चैनल पर फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो एनिमे की स्टोरी कुछ इस तरीके से है, तकागी-सान हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की है जो कि निशिकाता को बहुत ज्यादा टीज करती रहती है, परेशान करती रहती है। निशिकाता भी उससे परेशान करने के लिए नए नए प्लान बना के आता है, बट हर बार वो फेल हो जाता है। और इन दोनों के बीच ये जो भी चलता है देखने में बहुत ही मजा आता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये बड़ी ही क्यूट सी एनिमे सीरीज है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। एंड दैट्स इट, आज की वीडियो यहीं तक थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही कमेंट में मुझे बताना कि और कौन से एनिमे हैं जो आपको फ्री में देखने हैं। अगर मुझे ज्यादा रिजल्ट्स मिले तो मैं उस पे भी एक नई वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको किसी नए एनिमे की तलाश है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। साथ ही आप मेरे साथ पर्सनल कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है और आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।